जयपुर जिले के कोटपूतली में शहर के गोपालपुरा रोड पर भोला का भट्टा के समीप एक 23 वर्षीय महिला मासूम के साथ सूखे कुएं में कूद गई। अचानक हुए इस घटनाक्रम से लोग हक्के बक्के रह गए। कुएं से बच्चे के रोने की आवाज सुनकर लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पुलिस ने पहुंचकर नगरपालिका से दमकल मंगवाई और फायरमैन सुरेश को कुएं में उतारा गया और करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद महिला और बच्ची को सकुशल बाहर निकाला गया। हालांकि महिला के पैरों में चोट बताई जा रही है, जिसके चलते महिला को राजकीय BDM चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। वहीं मासूम को परिजनों के हवाले कर दिया गया है। इस दौरान परिजनों ने बताया कि महिला मानसिक रूप से बीमार चल रही है, संभवतः इसी कारण उसने यह कदम उठाया। सुबह जरिए कंट्रोल रूम इतना मिली थी कि गोपालपुरा रोड पर बंजारा उड़ाने के पास में कुएं में एक महिला और एक बच्चे जो गिर गए हैं, उसके साथ पर मौके पहुंचे तो ये महिला है सुमन वाइफ ऑफ दिनेश, बड़ा कुआ वाली डाणी की रहने वाली है। इसका पति दिनेश है, वो पंचर की दुकान में काम करता है। वो सुबह 6 बजे दुकान पर चला गया था, पीछे से महिला और बच्चे को लेकर के, महिला है जो मनबुद्धि और यहीं के कस्बे की रहने वाली है। मेरे पास पुलिस कंट्रोल रूम से मैसेज आया कि ऐसे ऐसे खुले कुएं में महिला गिर गई और साथ में बच्चा भी है, तो मैंने मेरी टीम रवाना की और मैं खुद भी रवाना हो गया। मौके पे आके नीचे जन सहयोग से, जनता के सहयोग से नीचे जाके पहले बच्चे को निकाला, बच्चा सकुशल, उसके बाद में महिला को निकाला। महिला का पैर फ्रैक्चर बता रही है वो, और तो उसके बाद में डॉक्टर बता पाएंगे भाई कहाँ कहाँ लगी है। कोटपूती में एक महिला बच्चे के साथ कुएं में छलांग महिला ने लगाई है, इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, दोनों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोनलाइन पर मौजूद हमारे संवाददाता महेश सैनी। महेश, क्या है पूरा मामला, आखिर क्या वजह निकलकर सामने आई है जिसके चलते महिला ने ये कदम उठाया है? जी आशीष, ये गोपालपुरा रोड भोला के भट्टा की घटना है जी। ये महिला बताई जा रही है जो कि मानसिक रूप से परेशान थी जी। और इसका पति जो सुबह दुकान के ऊपर चला गया था, उनका कहना है कि हमारा कोई कहा सुना भी नहीं हुआ है और ये काफी दिन से परेशान बीमार चल रही थी, इसके कारण इसने कुछ कदम उठाए हैं जी। महिला को BDM में भर्ती करा दिया गया है, बच्ची छह कुशल परिजनों को सौंप दी गई है। महेश, कितना गहरा ये कुआ था? कुआ करीब 100 फीट नीचा गहरा था, जिसमें कचरा पड़ा हुआ था, इसी के कारण वो बच्ची और महिला बच पाई जी। फिलहाल महिला की तबीयत क्या बताई जा रही है? महिला की तबीयत अभी फिलहाल सही है, दोनों पैरों की चोट आई है, BDM में ट्रोमा सेंटर में भर्ती कराया गया है जी। महिला से कोई बातचीत हो पाई है? महिला से अभी कोई बातचीत नहीं हो पाई है, क्यों वो बताने की स्थिति में नहीं है अभी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे संवाददाता महेश सैनी, कोटपूतली से मेरे साथ फोनलाइन पर जुड़े थे, जिन्होंने बताया कि एक महिला ने सूखे कुएं में छलांग लगा दी, लेकिन गनीमत रही कि कुएं में कचरा आदि पड़ा था, जिसके चलते दोनों सकुशल बच गई, दोनों को बाहर निकाला गया है। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, तुरंत फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, रेस्क्यू किया गया, रेस्क्यू करके दोनों को सकुशल बाहर निकाला गया, बच्ची को परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। तो वहीं दूसरी ओर महिला को, जिसके पैरों में चोट आई है, उसे BDM अस्पताल पहुंचाया गया है।